हेलो, हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोगों का परमाइस का जो 33 टेस्ट है उसमें 11वां टेस्ट करेंट अफेयर्स का हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है। आज उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बात कर लूँ। जो पिछला बैच था परमाइस का क्रैश कोर्स 69 बीपीएससी के लिए, उसके कुछ तो इस पे इश्यूज़ पे मैं बात कर लेता हूँ। पिछला जो यहाँ पे बैच चला था क्रैश कोर्स का, उसका नाम था वॉरियर। उस वॉरियर बैच में आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होगे, थंबनेल में देख रहे होगे कि 69 बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में शेयर कर दीजिएगा उसको, ठीक है, लिंक। 69 बीपीएससी में जो यहाँ पे परमाइस का जो क्रैश कोर्स था, उस क्रैश कोर्स का नाम जो वॉरियर बैच था, वॉरियर बैच से जो 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे 80+ क्वेश्चन जो है प्रूफ के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, पीडीएफ मैं शेयर करवा दूंगा। जो वॉरियर प्रीलिम्स बैच था क्रैश कोर्स का, उससे आए हैं और बाकी टेस्ट सीरीज से आए हैं, मतलब 100 के आसपास जो है क्वेश्चंस परमाइस के जो टेस्ट सीरीज है और वॉरियर बैच है क्रैश कोर्स का, उससे क्वेश्चन आए 69 बीपीएससी में। जैसा कि आप देख रहे होंगे बगल में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन है और इसके साथ साथ जो है आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे परमाइस का जो क्लास नोट्स है उससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उसमें बाकी क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन देख सकते हो आप कि ट्रीटी जो है इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी वो, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। यहाँ पे आप क्लास का नोट्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्लास नोट्स है। उसी तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन, आप 10वां क्वेश्चन जो देख रहे हो आप 69 बीपीएससी का, वहाँ पे आप देख रहे हो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी और वो जो है एयर वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लास नोट्स में दिख रहा होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, प्रूफ के साथ आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन को। उसी तरह से एक क्वेश्चन को देख सकते हो आप कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, होम रूल, सूरत, खेरा, सत्याग्रह, मॉर्ले मिंटो, ये आपको मैच करने आया था 69 में। और यहाँ पे क्लास में आपको जो पढ़ाया गया था आप वहाँ पे उसका नोट्स भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप कि यहाँ पूछा गया है कि चैत्या बिहारा स्तूपा किस धर्म से संबंधित है, और यहाँ पे क्लास नोट्स जो है आपको मैप के थ्रू भी इस चीज़ को समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक हैंडीक्राफ्ट की स्टाइल है सुजनी, वो बिहार में क्या है, एक तरह का एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे क्लास में आपको मैप के थ्रू उस चीज़ को दिखाया गया था, यहाँ पे आप पीडीएफ में देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आप देखोगे कि अगला क्वेश्चन जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से, उसका भी एविडेंस क्लास का नोट्स में आप देख सकते हो, जो क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है, वो आपको नोट्स यहाँ पे पीडीएफ में दिख रहा होगा। इसका पीडीएफ शेयर करवा दिया जाएगा, जो लोग भी देखना चाहें इसको देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे मैथ एंशियंट हिस्ट्री का दिया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, उसके प्रोफेशन को मैच करना है और आपके क्लास नोट्स में भी ये चीज़ें दिखाई गई है। उसी तरह से मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछ रहा किस डायनेस्टी के समय जो है मैथिली भाषा का विकास हुआ था, और यहाँ पे आपको उसका जो है क्लास नोट्स में पढ़ाया गया है, यहाँ पे आप पीडीएफ भी देख सकते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्लास नोट्स का मैंने अभी आपको दिखाया परमाइस का, अब हम लोग टेस्ट सीरीज का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो क्लास नोट से और टेस्ट सीरीज से हैं। जो वॉरियर बैच का क्लास था उसमें 80+ क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज से मिला के टोटल 100 150 में 100 क्वेश्चन परमाइस के डायरेक्ट आपके क्लास नोट से, ठीक है, वॉरियर क्लास से और आपके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको यहाँ पे पीडीएफ के साथ दिख रहा होगा। आपको सर ने शेयर भी कर दिया, आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप सारे जो है क्लास नोट्स को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे एक एक करके, और बगल में आप उसका जो है पीडीएफ भी देख सकते हो। ये भी देख लो क्लास नोट से ही रिलेटेड है, सारा क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड है, ठीक है, इसको आप एक एक करके मिला सकते हो। टेस्ट सीरीज का मैं दिखा दूँ कि टेस्ट सीरीज से कैसे, क्लास नोट्स देख लिया आपने वॉरियर बैच के क्लास नोट से, बीपीएससी के डायरेक्ट जो 80+ क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन से भी है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप टेस्ट सीरीज का, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से देखो, उसके एक्सप्लेनेशन से देखो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आपको यहाँ पे देखिए एक एक चीज जो आपको दिया हुआ, मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट, जो टेस्ट सीरीज का पेपर है और यहाँ पे बीपीएससी का पेपर है, इन दोनों को आप मिला सकते हो, देख सकते हो कि कैसे जो है यहाँ के टेस्ट सीरीज से आपको फायदा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखो ये क्वेश्चन है और इसका जो है यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। इंडिया इज फर्स्ट द पोजिशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मीका सीट, लार्जेस्ट मीका बेल्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन हजारीबाग, गया एंड मुंगेर एंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट विच आर नोन एज द कैपिटल ऑफ मीका, ये टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन है और डायरेक्ट बीपीएससी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट, और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, ये जो टेस्ट सीरीज था परमाइस का उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब प्रूफ है आपका, जो क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज,
इन दोनों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का जो है प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, शेयर कर दिया जाएगा, आप उसे मिला भी सकते हैं कि कैसे पूछा गया। ये वॉरियर बैच था प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज का पिछली बार 69 का, उससे 80 प्लस 80 से ज्यादा क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज को 20 मिला दीजिए तो यहाँ पे लगभग जो है 100 के आसपास जो है 150 में क्वेश्चन प्रम माइस का वॉरियर बैच जो था उससे जो क्रैश कोर्स था प्रीलिम्स के लिए और टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो 150 में अगर 100 क्वेश्चन आपको यहाँ के क्रैश कोर्स से और आपके टेस्ट सीरीज से आता है तो आई थिंक अगर आप यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स को कोई रोक नहीं सकता, आप इजीली जो है प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखिए फायदा है और यहाँ पे अभी हम लोग 33 जो टेस्ट दे रहे हैं वो पूरी तरह से फ्री है। 11वां टेस्ट आज होने वाला था, हर सप्ताह संडे के दिन एक टेस्ट होता है। अगला जो टेस्ट होने वाला है वो भी फ्री है 12 से 2 और वो साइंस पे होने वाला है, उसका जो है आपको टॉपिक आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगला टेस्ट अगर देना चाहते हैं आप परमाइस ऑफलाइन सेंटर पे बोरिंग रोड पे तो वहाँ आके दे सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सारा पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको टेस्ट सीरीज का पेपर एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ, क्लास नोट्स दिखा रहा हूँ मैं आपका जो क्लास में पढ़ाया गया है आपके वॉरियर बैच में, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लास नोट्स आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिख रही हैं, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ शेयर करा दूंगा मैं। 10 जगह टेस्ट देने से है कि एक जगह टेस्ट दीजिए आप जहाँ से आपको मैक्सिमम फायदा हो और आई थिंक 33 जो टेस्ट है वो मोर देन इनफ है। अगर आप इतना टेस्ट दे लेते हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है, आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये सारे टेस्ट हैं इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो हर वीक टेस्ट हो रहा है परमाइज जो आपको प्रीलिम्स के लिए 33 टेस्ट दे रहा है जो फ्री फॉर ऑल है, सबके लिए फ्री है, ठीक है। उसमें से 11 टेस्ट हो चुके हैं, हिस्ट्री हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, ज्योग्राफी आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो चुकी है, बिहार स्पेशल हो चुका है और आज जो 11वां टेस्ट था वो आपका करंट अफेयर्स पे था। तो 33 टेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज क्या है कंप्लीट पूरी तरह से क्या है फ्री है, फ्री फॉर ऑल है, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है आपको, फ्री है पूरा टेस्ट और दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो जो परम आईएएस का जो बोरिंग रोड सेंटर है ऑफलाइन सेंटर वहाँ के दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जो चैनल से जुड़ के परम आईएएस के वहाँ पे जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मोड में दे सकते हैं आप और ये 33 टेस्ट है, 11 टेस्ट हो चुका है आपके पास, 22 टेस्ट और रह चुके हैं, ठीक है ना, 22 टेस्ट और बच गए हैं, आप चाहें तो उसको आप अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नहीं धार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपके बारे में कुछ भी आपको पता करना है इस टेस्ट के बारे में या जो वॉरियर बैच लॉन्च हो रहा है परम आईएएस का उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 7250110904 and 05, ये दो नंबर है, इस दोनों पे से किसी पे भी जो है कॉल करके वॉरियर बैच जो लॉन्च होने वाला है 70वीं बीपीएससी के लिए परम आईएएस क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला है वॉरियर, उसके बारे में आप कुछ भी पता करना चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके आप उस बैच के बारे में ज्वाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये बैच बहुत जल्द अप्रैल में शुरू होने वाला है, ठीक है ना, ये क्रैश कोर्स है और 70वीं बीपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव उसी के लिए टेस्ट है, आप उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ इसके बारे में, जो क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है वॉरियर बैच उसके बारे में बहुत जल्दी अप्रैल महीने में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और जो टेस्ट होने वाला 33 टेस्ट, 11 टेस्ट हो चुके हैं और 12वां टेस्ट अगले संडे को होने वाला है, वो साइंस का होने वाला है, आप उसकी तैयारी करके आए। मुकेश जी क्या हुआ, नहीं गूंज रही आवाज, बहुत गूंज रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए आप टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, आज का जो टेस्ट हुआ टेस्ट पेपर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट को देखेंगे कि इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है, एक एक करके उस चीज को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देख रहे हो आप यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन है मत्स्य 6000 मत्स्य 6000 रिसेंटली सीन इन न्यूज, अभी हाल में मत्स्य 6000 न्यूज में रहा, चर्चा में रहा, वो है क्या बेसिकली, मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, गूंज रही है आवाज, इंडिजिनस डेवलप एंटी टैंक, डोमेस्टिकली डेवलप सबमरीन, है ना, सबमर्सिबल सिविल और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स। तो जो मत्स्य 6000 है वो बेसिकली क्या है, ये आपका सी है, डोमेस्टिकली डेवलप सबमर्सिबल, ये क्या है एक तरह का सबमरीन है, ठीक है ना, 6000 और इसमें क्या है 6000 जो यहाँ पे आप देख रहे हो मीटर क्या है, यहाँ पे जो है समुद्र के अंदर जाके एक तरह समुद्र यान योजना का एक हिस्सा है जिसमें 6000 फीट नीचे जा करके, ठीक है, खोजा जाएगा वहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से खनिज हैं। तो मत्स्य
6000 जो है डोमेस्टिकली डेवलप सबमर्सिबल है, तो ये आपका आंसर एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू पिग्मी हॉक्स के बारे में पूछ रहा है कि पढ़िए उसका आंसर दीजिए। यह क्या है, सबसे छोटा स्पेसीज है किसका, सुअर का। ये सुअर का जो प्रजाति है उसकी सबसे छोटी प्रजाति है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। इट इज एन इंडिकेटर स्पेसीज एज प्रेजेंस, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ द मैंग्रोव हैबिटेंट्स। ये क्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल है ना, ये पिग्मी हॉक्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको किस में रखा गया है, ये IUCN के जो लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में पिग्मी हॉक्स को रखा गया है। तो आपका यहाँ पे 1 और 3 क्या है, सही है। अब यहाँ पे आपको चूज करना है, उसमें दिया हुआ है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली none। तो यहाँ पे आपको चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये सर ओनली 1 क्या है, ओनली 2 क्या है, ओनली ऑल 3 क्या है। अगर इसमें सिर्फ एक सही होता, इसमें सिर्फ अगर एक सही होता तो क्या होता, ओनली 1 हो जाता, लेकिन इसमें दो सही है स्टेटमेंट 1 या 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओनली 2, ओनली 2 का मतलब है, ठीक है, कि इसमें से दो जो, ये जो तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस तीन स्टेटमेंट में जो दो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ओनली 2 का मतलब है कि दो स्टेटमेंट बोथ है ना, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ओनली 2, ये सही है और ये सही है, ये गलत है आपका, ठीक है। मुकेश जी क्यों गूंज रहा है इतना यार माइक। अगला क्वेश्चन है 3, विथ रेफरेंस टू द शास्त्र नाम रामानुजम प्राइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। शास्त्र रामानुजम प्राइज को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है 1, द प्राइज इज कॉन्फर्ड एनुअली टू मैथमेटिशियन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड हु इज लेस देन 32 इयर्स। आपको पता है कि 32 इयर्स में ही रामानुजन ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ क्या है, वो आपका सही है, वो आपका क्या है, सही है। स्टेटमेंट जो है 1 यहाँ पे आपका सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कहाँ चला गया ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है कि 32 साल से कम उम्र के लोगों को इसमें जो है चुना जाता है। स्टेटमेंट 2 है आपका, इट इज अवार्डेड बाय द शास्त्र यूनिवर्सिटी ऑन रामानुजम बर्थ एनिवर्सरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्या है, इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव, व्हाट इज प्रोजेक्ट उद्भव, बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद लोकल पॉपुलेशन, स्थानीय जनजाति से अच्छा संबंध बनाना, टीच सेल्फ डिफेंस टू वॉलंटियर्स, लोगों को आत्मरक्षा की शिक्षा देना, प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द कीन ऑफ मार्टियर्स, जो शहीद हो गए हैं उसके जो रिश्तेदारों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान करना, री डिस्कवर इंडिजिनस हेरिटेज इन स्टेटक्राफ्ट, ठीक है ना। तो स्टेटक्राफ्ट ये जो है, ये जो एंशिएंट हमारा स्टेटक्राफ्ट का सिस्टम है, चाहे वो वॉरफेयर हो, रूल का हो, उन सब के बारे में इस वे प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया गया, तो रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज स्टेटक्राफ्ट, आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चैट ला दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, मैत्री सेतु समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज ए ब्रिज बिटवीन, मैत्री सेतु जो हाल में न्यूज में दिखा गया है वो है क्या बेसिकली, ये किन के बीच है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, आसाम एंड बांग्लादेश के बीच में, और मिजोरम एंड म्यांमार के बीच में। तो ये मित्र सेतु जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको ये हो जाएगा ए, 5 का आंसर क्या हो, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू नाटो, नाटो के बारे में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और बताएं। पहला है, जो नाटो है ये पॉलिटिकल और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना, ठीक ना, किसके लिए की गई है, सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए की गई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया ने जब फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग जो है नाटो के साथ कब किया था, जब ये फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म कब हुआ था, नाटो 1949 में बना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि इंडिया ने अपना पहला जो पॉलिटिकल डायलॉग इसके साथ शुरू किया वो 1949 के बाद ही किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया ने जो अभी शुरू किया इसके साथ ये जो है 2019 में किया है, ठीक है ना, 2019 में किया है ये, ठीक है, 49 में नहीं किया है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा।
अगला स्टेटमेंट है आपका, ओनली यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा आर द टू कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका दैट आर मेंबर्स ऑफ द नाटो, ठीक है, तो ये क्या आपका गलत हो जाएगा, इट इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी, ये क्या ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, सिक्स में आप देखोगे इसमें बी ओनली टू सही है, ठीक है ना, ओनली टू ये आपका सही है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ये दो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की जो मेंबर है नाटो के, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो ब्रुसेल्स में है, यूएसए में नहीं है, तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा वन सही है इसमें और तीन सही है इसमें, वन एंड थ्री सही है, तो वन एंड थ्री का मतलब है कि ओनली टू। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछने का एक नया ढंग देखने को मिल रहा है कि अगर एक सही है तो ओनली वन आएगा, यहाँ पे ओनली टू, दो सही है तो टू आ जाएगा, थ्री सही होता तीन स्टेटमेंट चार में सही होता तो ओनली थ्री हो जाता, और चार हो जाता तो ऑल फोर हो जाता, तो यहाँ पे चूंकि दो स्टेटमेंट चार में सही है, स्टेटमेंट वन एंड थ्री सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू, बी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अब्राहम एकॉर्ड जो है वो क्यों न्यूज में है रिसेंटली, ठीक है, तो ये जो है यूनाइटेड, इसमें पूछा कि पार्ट नहीं आर पार्ट ऑफ द अब्राहम, कौन सा कंट्री जो है अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट है, अब्राहम एकॉर्ड बता दूं इसराइल और अरब देशों के बीच क्या है, एक तरह का समझौता है, उस समझौते को ही अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन कौन सा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, इसराइल तो है ही है, बहरेन भी है, मोरक्को भी है, ठीक है ना, और इसके अलावा कौन सा कंट्री है, इजिप्ट भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सऊदी अरबिया अभी तक जो है अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक दो तीन चार, चार कंट्री, पांच कंट्री का नाम दिया, उसमें चार कंट्री जो है अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली फोर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका सात का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे, द इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सेवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत न्यूज में रहा है, ये आप लोगों ने साथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से देखो, ये सेवन क्या है, ये ग्रुप सेवन क्या है, जी सेवन एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में बता दूं, जी सेवन जो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इसमें देख लो, इसमें आपको कनाडा है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है ना, यूके है, ठीक है, और आपका जर्मनी भी है, लेकिन रसिया चाइना इसमें नहीं है, रसिया और चाइना इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आठ है आपका, यूके, इटली भी है इसमें, इटली भी है, जापान भी है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सारे कंट्री क्या हैं, जी सेवन के हिस्सा हैं, लिख लो, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो कि जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान, ये सब जी सेवन के हिस्सा हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसी के बाद जो ये संगठन बना है, और इसका उद्देश्य क्या है कि आपस में जो खुफिया जानकारी है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करना, ठीक है ना, और ये अभी न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि अभी आपने देखा होगा कि ये खालिस्तानी थे, कोई निज्जर नाम था उनका, उसकी हत्या कनाडा में हो गई थी, बाद में कनाडा ने आरोप लगाया था भारत पे कि भारत इस हत्या के पीछे भारत इंटेलिजेंस एजेंसी का रॉ का हाथ है, उसी ने मरवाया है, बाद में भारत ने कंडेम किया था, तो कनाडा ने प्रूव दिया था और ये बोला था कि हमको ये इन्फॉर्मेशन जी सेवन से मिली है, जी सेवन मतलब ये जो कंट्री है अमेरिका, यूके, इटली, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब से इन्फॉर्मेशन मिली है, इनपुट मिला है, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, तो जी सेवन का जो न्यूज़ में अभी आया था, जी सेवन उसी से न्यूज़ में आया था अभी, जो खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या हुई थी, तो ये जी सेवन जो है ये कंट्री है, इसका नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नाइन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोटर, हाँ वीवीपीएटी, ये जो वोट डालने जाते हैं आप, तो वोट डालने जब जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्ची निकलता है, अगर आपने देखा होगा, है ना, वीवीपीएटी है ना, वोटर है ना, वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इसको कहते हैं, वीवीपीएटी, इसके बारे में पूछ रहा है कि पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। अगला इसमें देखो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट कंटेन्स ओनली द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर हुम, ये इसमें बोल रहा है कि ये इसमें सिर्फ जो है कैंडिडेट जो है जो चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार, सिर्फ उसका नाम होता है, ये गलत है, उम्मीदवार का तो नाम तो होता ही है, साथ साथ उसके नाम के सामने चुनाव चिन्ह भी होता है, लेकिन ये चुनाव चिन्ह की बात नहीं कर रहा है, नोट द सिंबल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नाम उम्मीदवार का नाम भी होता है उसके साथ उसका सिंबल भी होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स काउंटिंग वीवीपीटी स्लिप्स इन रैंडमली, अब ये कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, हिंदी में मैं बता दूं कि जो ये चुनाव होता है वीवीपीटी, जो पर्ची निकलती है, जैसे आप बटन दबाते हो एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची को आप देख के देख, उसमें लिखा होगा कि आपने जिसको वोट डाला है उसका नाम और कैंडिडेट का सिंबल होता है, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाओ
कि जिसको वोट डाला गया है वोट उसी को गया है, किसी और को नहीं गया है। और उसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि हर बूथ पोलिंग स्टेशन से 10 कितना लिखा हुआ है रैंडमली 10 रैंडमली सिलेक्टेड, मतलब बोला कि कोई भी पोलिंग बूथ है उसे 10 जो है बक्सा जो इसमें वोट डाले जाते हैं जो मशीन होती है 10 मशीन को निकाल के काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, टोटल कितना है 5 है, रैंडमली सिर्फ पाँच जो मशीन होती है उसको उठाया जाता है 10 को नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि पूछ रहा है कि ये नीदर वन नॉट टू, तो आपका 9 का आंसर क्या हो जाएगा डी, दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी अदालत, नारी अदालत के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये पूछ रहा है, ये जो है इसको कह रहा है कि ये जो इसकी जो लागू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बिल्कुल सही है वही इसको लागू किया, इट एक्ट्स एज एन अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व पेटी डिस्प्यूट, छोटे मोटे मामलों को सॉल्व करने के लिए ग्राम लेवल पे इसकी स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। द स्कीम इज अ पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति, ये मिशन स्कीम का एक अम्ब्रेला स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम वैसी स्कीम को कहते हैं जिसमें एक बड़ी स्कीम होती है उसके साथ साथ कई स्कीमें जुड़ी होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो ये पूछा कौन सा सही है, तो ऑल क्या होगा, ऑल थ्री, आपका आंसर 10 का क्या हो जाएगा ऑल थ्री हो जाएगा। रश्मि आप आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है, कोई दिक्कत सुनने में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म, ठीक है उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, इट एम्स टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड यूनिटी अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, नहीं बिल्कुल नहीं, कर्मयोगी है ना, क्या है आईटी कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी, इट एम्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ माइक्रो स्मॉल माइक्रो, ये भी नहीं है, द पोर्टल हाईलाइट द स्टेप्स इन केस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है ये भी नहीं है, पोर्टल गाइड्स गवर्नमेंट ऑफिस इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी, ठीक है 11 का आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा 11 का, इसका जो आंसर है आपका पोर्टल टू गाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सरकारी कर्मचारी है उसके कैपिटल है ना आपके कैपेसिटी बिल्डिंग में जो है उसमें हेल्प करना है, क्या नाम है उसका आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म, एक तरह का पोर्टल है जो सरकारी कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि करेगा, ठीक है ना, तो आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका आंसर। 12 देखिएगा, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक सरकार की योजना है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है, मत्स्य संपदा योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम फोकस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इंडिया, बिल्कुल सही है ये मत्स्य मछली पालन उद्योग से संबंधित है। अच्छा ठीक है, अब आवाज ठीक नहीं है, देखो आवाज क्लियर आ रही है किसी को, किसी को दिक्कत है आवाज से, क्लियर है अब भी दिक्कत है किसी को वॉल्यूम से, अब क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है ना आप आवाज में, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। दूसरा है इस इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ठीक है ये भी सही है, ये पूरे इंडिया के स्टेट्स और यूटी संघ शासित क्षेत्रों में सब में लागू हो रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड यूनियन टेरिटरीज बोथ द कॉस्ट ऑफ द शेयर द कॉस्ट ऑफ द सब कंपोनेंट्स, ये भी सही है तीनों सही है। ऑर्नामेंटल फीस कल्टिवेटेड स्क्रिप्ट, ये पूछा जो आपको ऑर्नामेंटल फीस समझ रहे हैं वैसी फीस जो सुंदरता जो एक्वेरियम के लिए किए जाते हैं उसको कह रहा है कि इसे बाहर रखा गया, नहीं ये भी इसमें है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका ये गलत हो जाएगा, तो आपका सही स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट कौन कौन सा है, 1, 2 और 3, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर इसको भी इसको क्या कह रहा है केप्ट आउट नहीं है बल्कि ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन चूंकि केप्ट आउट बोल रहा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं अगर चाहो तो, आप देख करके इसको मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कीज एरियाज, है ना पूछ रहे कि जो कौन सा की एरिया अंडर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन एक योजना है जो 2019 में लागू की गई केंद्र सरकार की योजना, अब पूछ रहा है उससे संबंधित कौन कौन सा सही है, इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एंड वाटर कनेक्शन, अभी जितने भी पानी के रिसोर्स हैं जो भी तालाब है नदी है आपके जो है हैंडपम्प वगैरह है झील है उसके बारे में पूछा, उसके एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एंड वाटर कनेक्शन को देखना, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी सही है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन, ठीक है ना, ग्रे वाटर
ट्रीटमेंट एंड इस रेस्क्यू, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, 13 का पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, इसमें सारे सही हैं, क्या है सारे, बोथ आर करेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑल आर करेक्ट, 13 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है, चारों सही हैं आपके। ये जल जीवन मिशन है 2019 में लॉन्च हुआ है, आप लोग लिखते जाएंगे इसमें, एक्सरसाइज संप्रीति, एक्सरसाइज संप्रीति के बारे में पूछ रहा है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, है ना, एक्सरसाइज संप्रीति विच स्टार्टेड रिसेंटली कंडक्टेड, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है ना, अभ्यास संप्रीति, नेपाल के साथ, थाईलैंड के साथ, मालदीव के साथ या बांग्लादेश के साथ, तो ये आपका बांग्लादेश के साथ हुआ है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हुआ है ऑपरेशन ना, इसमें आप लिख लोगे बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटेलिजेंस ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, IGMS 2.0 के बारे में पूछता है कि ये जो है कौन कौन सा सही है इसके अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन कौन सही है, ये पूछ, IGMS इज अ मेजर अपग्रेडेशन ऑफ सेटेलाइट पब्लिक ग्रीवांसेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, ये इनकरेक्ट पूछा, ये क्या है, बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंट ग्रीवांसेस मॉनिटरिंग सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड बाय IIT कानपुर, इसको डेवलप किसने किया है और मॉनिटर कौन कर रहा है, IIT कानपुर कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। अब ये पूछा कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो यह क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू, इसमें दोनों स्टेटमेंट है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, ए हेल्थ प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ए हेल्थ प्रोग्राम जो अभी हाल में न्यूज में था, वो बेसिकली है क्या, इनिशिएटिव है किससे, किस मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जैसे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, इसका भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डाइंग एंड फिशरीज, ये इसी का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डाइंग, आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 का, सी हो जाएगा, ठीक है, पशुपालन एवं, ठीक है, मत्स्य विभाग, इसका है ये स्कीम, क्या नाम है इसका, ए हेल्थ, और ये झारखंड में भी हाल में लॉन्च किया गया है, बाकी स्टेट्स में भी है लेकिन रिसेंटली झारखंड में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 17, प्रोजेक्ट ना मौसम क्या है, प्रोजेक्ट मौसम इज एन इनिशिएटिव लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंटेड बाय द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इट्स एम टू शोकेस ए ट्रांजिशनल मिक्स रूट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, द प्रोजेक्ट एक्सप्लोर मॉनसून पैटर्न्स एंड मेटेनाइज लैंडस्केप इंडियन ओशियन रीजन, ये पूछ रहा है इसमें से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में से कि कौन सा जो है सही है इसमें से, तो 17 में देखेंगे आप, तो तीनों स्टेटमेंट, ये जो तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ आपका वो तीनों सही है इसमें, ये भी सही है, इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंट, है ना, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर आर्ट्स का, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि मिक्स रूट टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है, द प्रोजेक्ट एक्सप्लोर मॉनसून पैटर्न एंड मैरीटाइम लैंडस्केप इन द इंडियन ओशियन रीजन, ये तीनों इसका ऑब्जेक्टिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 17 का 1, 2 एंड 3, ये सारे सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ये पूछ रहा है कि बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है, बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये पूछ रहा है कि ये सर्व करता है वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर इंश्योरेंस रिलेटेड स्टेप्स, ये सही है, द प्लेटफॉर्म एम्स टू सेंट्रलाइज एंड फैसिलिटेट पॉलिसी पोर्टिंग, ये भी सही है इसका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन से मेजोरिटी, ये गलत है, ये GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर जो है इंश्योरेंस कंपनी उसके पास है इसका मेजोरिटी, इसकी इरडा के पास नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका, पूछ रहा है कि कौन सा सही है इसमें, तो सही आपका क्या हो जाएगा 1, 2, अब 1, 2 किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, तो आपका आंसर 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निपा वायरस के बारे में पूछ रहा है कि क्या इसमें सही है, ये पूछ रहा है कि ये जो है जूनोटिक डिजीज है, एक तरह का जूनोटिक डिजीज है, प्राइमरी, ये पूछ रहा है कि एनिमल, जूनोटिक का मतलब होता है वैसी बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमन की तरफ आती है, जानवरों से इंसानों में फैलती है, उसी को जूनोटिक डिजीज कहते हैं, तो निपा इज जूनोटिक डिजीज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू ह्यूमन थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल पार्टिकुलर बैट्स, चमगादड़ के, विशेषकर चमगादड़ से फैलता है, द वायरस डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, ये गलत है, ये जो है जो भोजन दूषित है उससे भी फैलता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये बोला कि नहीं फैलता है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये अगर आपने गंदा खाना खा लिया, मतलब वैसा खाना जिसमें ये वायरस प्रेजेंट है तब भी हो सकती है, तो ये जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इट इज नॉट वेरी लिथल विथ मोर्टिलिटी रेट्स बीइंग लेस देन 5%, ये भी गलत है, ये बहुत लिथल होता है, तो पूछ रहा है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो इसमें आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है ओनली वन, बल्कि 2 और 3 क्या है इसमें गलत है, तो आपका आंसर 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ओवरहीटिंग क्या है, ओवरहीटिंग अर्थव्यवस्था में ओवरहीटिंग से क्या मतलब है ना, इकोनॉमी में ओवरहीटिंग से क्या मतलब है,
ओवर हीटिंग का मतलब तो होता है कि मौसम में बहुत गर्मी पड़ रही हो तो आप कहते हैं ओवर हीटिंग हो रही है, लेकिन इकोनॉमी में ओवर हीटिंग किसको कहेंगे वो आज हम जानेंगे। इट देयर इज ए हाई कंजम्पशन एंड लो सेविंग्स। ये बिल्कुल सही है कि आप खर्च तो बहुत कर रहे हैं, एक दिन कमा लिया 5,000 और 4,000 उसी दिन खर्च कर दिया, तो हाई कंजम्पशन खाने पीने पर भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपने आप पर खर्च कर रहे हैं, तो कंजम्पशन क्या है हाई है और सेविंग क्या है आपके पास, सेविंग बिल्कुल लो है, आप सेव कर ही नहीं रहे हैं। ये अवस्था भी होती है, इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अनेबल टू कीप है ना पेस विद ग्रोइंग एग्रीगेटेड डिमांड। ये भी क्या आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 का आंसर क्या है यहाँ पे, अगर 20 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बोथ 1 और 2 आर क्या है करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ओवर हीटिंग इकोनॉमी में उसी को कहते हैं जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट ओवर हीटिंग इकोनॉमी से रिलेटेड सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे, द न्यूली डेजिग्नेटेड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, ये कहाँ पे है भारत के किस शहर में है, तो ये आपको जो है मध्य प्रदेश में है। 21 का आंसर क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश में है वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो, आप इसको पता है कि टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ मिलता है, तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट, पेट क्या होता है ठीक है ना, तो पेट प्लास्टिक है, एक कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो बोतल कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर, आप जो बोतल यूज करते हैं ठीक है उसमें यूज होता है जनरली ठीक है, और कंटेनर्स जो हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर वो सब किसका बना होता है, पेट का बना होता है। इट इज नोन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी, ये अपनी जो है पारदर्शिता, आप कुछ रखेंगे तो आपको वो क्लियर दिखेगा ठीक है ना, लाइट वेटिंग हल्का होता है ये, और रिसाइक्लेबिलिटी होती है, ये भी इसके बारे में सही है। इट इज प्रोड्यूस लेस प्रोडक्ट वेस्ट ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग एंड 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर को देखेंगे आप लोग, इसमें तीनों स्टेटमेंट ये सब जो पेट प्लास्टिक है उसके बारे में सही कथन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा 1, 2 और 3, 22 का आंसर आप 1, 2 और 3 लगाएंगे। प्लास्टिक का एक टाइप है जनरली आप लोग बोतल जो होता है उसी में आता है। 23 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन कच्छप, कच्छप मतलब क्या होता है, कछुआ होता है आपको पता ही है, आप पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन जो कच्छप है वो किससे संबंधित है ठीक है, ऑपरेशन कच्छप, द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द रिकवरी ऑफ लाइव बेबी टर्टल्स इंक्लूडिंग अदर स्पीसीज ऑफ टर्टल्स, बिल्कुल सही है ये। इट वॉज कंडक्टेड बाई डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस DRI एज ए पार्ट ऑफ एफर्ट्स, ये भी सही है, इसमें वाइल्ड लाइफ की जो ड्यूटी होती है इसका एनवायरमेंट एंड कॉम्बैट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, इसका जो है तस्करी होता है उसको रोकने के लिए इसको किसने चलाया है, ये है डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस DRI कहते हैं उसने चलाया है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट बोथ 1 और 2, तो आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ठीक है कावेरी रिवर, रिसेंटली इन न्यूज जो कावेरी रिवर है उसके बारे में पूछ रहा है कि रिसेंटली न्यूज में था इसके बारे में बताइए। कावेरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउदर्न इंडिया, बिल्कुल गलत है, कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, कौन सी है, गोदावरी है, कावेरी नहीं है, स्टेटमेंट पहले गलत हो गया। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, ये तमिलनाडु की सबसे लंबी रिवर है। इट ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका एंड एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है, और हिमावती सीमांसा एंड हरांगी आर द राइट, ये राइट वाली नहीं है, किधर वाली है, ये लेफ्ट वाली है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है कावेरी की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा आपका। तो स्टेटमेंट सही कौन सा है इसमें, 2 और 3 सही है, और पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, 1 और 4, 1 और 4 इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल विंडो ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग ठीक है ना, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ये पूछ रहा है इसके बारे में बताइए क्या सही है। इट इज अ सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेशली फॉर्म फॉर द कंप्लीटिंग स्टेट्स एंड इंस्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, इट फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है, किसका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये सही है। द फंड कंसीडर फर्स्ट टाइम डेवलप एस्टेब्लिश बाय डेवलपर्स विद ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स एंड इवन प्रोजेक्ट्स वेयर देयर आर लिटिगेशन, ये वैसे प्रोजेक्ट्स पे के लिए है जहाँ पे कुछ लिटिगेशन हो गया है या वहाँ पे कुछ अलग तरह का जो है कह सकते हैं बाधा है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सिर्फ 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो 1 और 3 आर करेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दे रखा उसमें। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार,
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है कि इसमें जो है क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है और क्या जो है पूछ रहा है सही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एम टू एक्नोलेज, नहीं, इट इज नॉट ओपन टू इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। विच ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इट इज नॉट ओपन टू इंडिविजुअल्स, बिल्कुल गलत है ये। ये वैसे लोगों के लिए भी खुला हुआ है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो ये सिर्फ दो जो है आपका गलत है, बाकी 1, 3 और 4 क्या है सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2, आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, ओनली 2, 26 का। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड डिस्क्रिप्शन पीएम श्री, अब इसको मैच करना है यहाँ पे। पीएम श्री से क्या मतलब है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल्स विद अ फोकस ऑन, ठीक है, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, निपुण भारत, ये बिल्कुल सही है, निपुण भारत कौन सा करेक्ट है, ये 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। पीएम श्री प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल्स विद अ फोकस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, ये इसका टारगेट है पीएम श्री का। निपुण भारत प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल, ये ऑनलाइन नहीं है ये, ठीक है ना, ये क्लास थ्री तक के बच्चों को जो है एलिमेंट्री और मैथ्स की कुछ ज्ञान देना है, निपुण भारत में ये इसकी का उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिजिटल ऑनलाइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड ईयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा सही है, ठीक है, 27 का, तो ये गलत है, एंड ईयर भी जो है इसका उद्देश्य नहीं है, तो सिर्फ एक जो है वो सही है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल्स विद ए फोकस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा सिर्फ, बाकी जो दोनों है वो मैच नहीं कर रहा है। ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 220 2020 का ऑब्जेक्टिव है, उसका पार्ट है, उसका सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 इंडिया हैज अचीव सिग्निफिकेंट सैनिटेशन माइलस्टोन्स अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, ये पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित निम्नलिखित चीजों को पढ़ें और इसका सही कथन चूजें। ODF ओपन डिफेक्शन है ना, स्टेटस नॉट अ सिंगल पर्सन फाउंड डिफेकेटिंग, ODF का मतलब होता है कोई भी ऐसा जगह जहां पे एक भी व्यक्ति जो है खुले में शौच नहीं करता हो, बिल्कुल सही है। ODF प्लस स्टेटस ऑल कंडीशन ऑफ ODF एंड टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेपरेट मैनेजमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। ODF प्लस प्लस स्टेटस ऑल वेस्ट वाटर इज बींग ट्रीटेड एज द CPCB norms, ये क्वेश्चन आपका जो स्टेटमेंट 3 है 28 में स्टेटमेंट क्या 3 है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका सही क्या हो जाएगा सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, 28 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29 नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP ऑफर्स नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सन फॉर द एल्डरली विडोज वुमेन एंड डिसेबल इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही है ये। प्रधानमंत्री वंदना योजना है ना, प्रधानमंत्री वय योजना है, एक्सक्लूसिव पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन एज 60 एंड अबव, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर एज पर्सन प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज सच एज फूड शेल्टर मेडिकल केयर एंड सर्विस, ये भी सही है इसमें। राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रोवाइड्स एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइस टू एल्डरली BPL इंडिविजुअल्स विद एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज, 29 का अगर हम देखेंगे तो ये जो मैच करने के लिए दिया गया नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP जिसको कहते हैं, PMVBY, IPOP और राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रोवाइड्स एड्स एंड असिस्टेंस लिविंग, ये सारा स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा 29 का, डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये भारत से टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, 2025 तक खत्म करना है इसका टारगेट है, पूछ रहा क्या सही है अंडर प्रधानमंत्री मुक्त भारत टीबी मुक्त अभियान, ठीक है, ये 2025 तक बिल्कुल सही है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कवर्स टीबी पेशेंट फ्रॉम बोथ, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के टीबी पेशेंट्स को कवर करता है, ये भी स्टेटमेंट जो है क्या सही हो जाएगा। निक्षय भारत इज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एनेबल्स पीपल टू एडॉप्ट, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स एंड टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, निक्षय भारत योजना है, ये भी जो है स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सही है, तो ये भी क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे 1, 2 और 3 सारा स्टेटमेंट इसमें टीबी की बीमारी से संबंधित जो सरकार की योजना है उसके बारे में सही है यहाँ पे। चलिए अगला देखते क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फॉरन ट्रेड पॉलिसी,
इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 31 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे ये है, इट इज़ फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक एंड हैज़ बीन केप्ट अपन इंडेड टू एकोमोडेट द इमर्जिंग नीड्स ऑफ द टाइम्स। समय की जो मांग है उसके अनुसार ये पॉलिसी बनाई गई है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप, ठीक है, आस्था और सहभागिता पे ये जो है क्या एक्सपोर्टर्स के उस पर पूरी तरह से बेस्ड है, ये भी सही है। इट इज इंट्रोड्यूस ए वन टाइम एमनेस्टी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर टू क्लोज द ओल्ड पेंडिंग ऑथराइजेशन एंड स्टेट एफ्रेस। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है 31 का सही है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे हम लोग 31 का तीनों स्टेटमेंट ऑल थ्री आर द करेक्ट, 1, 2 एंड 3 सारे स्टेटमेंट जो है ये ट्रेड पॉलिसी है, व्यापार नीति है भारत सरकार की। इसमें जो है हिंदी वाले आप हिंदी से मिला लोगे, इसमें तीनों जो स्टेटमेंट है राष्ट्रीय व्यापार नीति 2023 में ये सब इसका पार्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखोगे एस्पार्टम। एस्पार्टम क्या होता है, एक तरह का स्वीटनर है, आप लोगों ने कुल्फी खाई होगी, ठीक है, और बहुत सारी दुकानों में देखा होगा शरबत वरबत पिया होगा, तो वहाँ पे एक तरह का स्वीटनर फलूदा आपने खाया होगा, उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है, उसी को एस्पार्टम नाम दिया गया है। तो ये है क्या, बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, ठीक है, इसका यूज़ खास करके फलूदा वगैरह आप लोग खाए होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, एस्पार्टम नाम इसका। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइव आइज क्या है, फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अलायंस कुछ कंट्री का संगठन है, ठीक है, उसमें बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन है उसमें, ठीक है, ये है क्या बेसिकली। द फाइव आइज अलायंस रिफर्स टू एन इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप अमंग फाइव कंट्रीज, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर सिक्स है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द अलायंस, ठीक है। ये उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था जहां तक मुझे लग रहा है, उसको आप थोड़ा सा सही कर लोगे, ठीक है ना, वो सेवन आइज नहीं, ये फाइव आइज है, ये फाइव आइज जो कंट्री है इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा कंट्रीज है, ठीक है, ये फाइव आइज जो कंट्री है 33 क्वेश्चन नंबर 33। द फाइव आइज अलायंस रिफर्स टू एन इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप अमंग फाइव कंट्रीज, द अलायंस ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू वर्ल्ड वॉर सिकर, बिल्कुल सही है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, इंडिया इसका पार्ट शायद नहीं है, ठीक है ना, 33 का ये क्या आपका 33। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा ना, बिल्कुल इंडिया पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या है, एक है, तो यहाँ पे पूछा ओनली थ्री, जो यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री है वो क्या है इनकरेक्ट है, तो ये वन एंड टू क्या है सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा 33 का, 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 3। इंडिया जो है इसका हिस्सा नहीं है, इसके कुछ हिस्सा हैं अगर चाहें तो लिख सकते हैं आप, यूएसए है, यूके है, कनाडा है एंड न्यूजीलैंड है, ये इसका हिस्सा है, क्या कहते हैं इसको, फाइव आइज, फाइव आइज, ठीक है, 33 का आंसर क्या, फाइव आइज। 34, ये द्वारक टेक्निक क्या है, रिसेंटली न्यूज में था ये एक्चुअली है क्या द्वारक टेक्निक, ये एक टेक्निक है आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोरकास्टिंग, आपने देखा होगा नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, ठीक है, अभी जिस तरह से तूफान आया था उसी से है डॉट टेक्निक, ठीक है ना, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फोरकास्टिंग की एक टेक्निक है, ये एक साइंटिस्ट थे उसके नाम पे है। तो आपका 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। द पिंक वॉल वॉर्म, ये गुलाबी जो है वॉल वॉर्म एक तरह का क्या है, कीट है वो, और इसका क्या न्यूज़ में है, ये फसल को क्या नुकसान पहुँचाता है, तो ये कौन सा फसल है, ये कॉटन, कॉटन को नुकसान पहुँचाता है, कपास को, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अग्निडी। अग्निडी एक्चुअली है क्या, इट इज एन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस सॉफ्टवेयर सिस्टम, बिल्कुल सही है ये, इट इज डेवलप इन द ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर रीजन ऑफ स्टेट, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ईस्टर्न लद्दाख में। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, आपका 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, सी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। 37, इडक्कल केव्स रिसेंटली सीन इन यूज, ये जो है गुफा है एक तरह का, इसका नाम है इडक्कल केव्स गुफा, ये न्यूज़ में था, ये किस स्टेट्स में है,
तो अगर आप देखेंगे ये कहाँ, केरल में है, भारत के केरल राज्य में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। रिसेंटली फर्स्ट ऑफिशियल स्टार पार्टी ऑफ एक्सपीरियंस एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स वाज ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA इन, ठीक है, हैनले डार्क स्काई रिजर्व इन, कहाँ पे है ये, ये आपके लद्दाख के पूर्वी हिस्से में, ईस्टर्न लद्दाख में। 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा यहाँ पे आपका 38 का आंसर। 39, द एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, उसके में पूछा है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन आर्मीज ऑफ, किन दो दोस्तों के बीच में है युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है। 39 का अगर आप देखेंगे, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है युद्ध अभ्यास, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। 40 का देखोगे, द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश बाय, ठीक है, राष्ट्रीय ये है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बीपो, बीपी जो है जारी करता है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग शायद 40 है, 40वां है, 2023 का अगर आप देखेंगे तो 40वां रैंकिंग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा 40 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 41, गलेफू रिसेंटली, गलेफी जो है अभी हाल में न्यूज में था, वो एक्चुअली में है क्या, इंडिया नेपाल के बीच में, इंडियन बांग्लादेश भूटान और चाइना इंडियन भूटान, गलेफू जो है आसाम बॉर्डर के पास है, इंडिया और भूटान के बीच एक जगह है, ठीक है, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। इंडिया इंस्टीट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग इवैक्यूएट, भारत ने भी हाल में इसराइल से अपने नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑपरेशन अजय। इसराइल से अपने आर्मी अपने लोगों को नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था, तो आपका आंसर 42 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। 43 का आंसर देखेंगे, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MIP इज रिलीज्ड, कौन जारी करता है MIP, ये जो है जारी करता है आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या इकोनॉमिक फोरम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक। 43 का आंसर बताइए आप लोग, 43 का आंसर क्या होगा, ये जो दिया हुआ है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जारी करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 43 का। अगला 44 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 कि ए न्यू स्पेसिस टोड, टोड मतलब मेढक, मेढक की एक नई जाति पाई गई है, बुफाइड्यूस बुपाटी है ना, भूपाथी, हैज बीन डिस्कवर्ड इन दाम्फा टाइगर रिजर्व, वो दाम्फा टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य में पाया गया, वो है कहाँ बेसिकली, किस स्टेट में, तो ये दाम्फा जो है वो मिजोरम में है, इंडिया के मिजोरम में है, एक मेढक की प्रजाति पाई गई है वो मिजोरम में, टोड की। अगला क्वेश्चन 45 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोंटूस प्लेट, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, पोंटूस प्लेट, पोंटूस प्लेट के बारे में देखेंगे, इसके बारे में क्या सही है। पहले देखेंगे हम लोग, पोंटूस प्लेट इज ए लॉन्ग लास्ट टेक्टोनिक प्लेट दैट डिसअपीयर्ड मिलियंस ऑफ ईयर, ये एक तरह का क्या था, प्लेट था, ठीक है, प्लेट कौन सा, जमीन के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स था ये, और ये अब क्या है, बहुत लाखों साल पहले ये अब दब चुका है पृथ्वी के अंदर, इट वॉज सब्जेक्टेड एविडेंट ऑस्ट्रेलियन और चाइनीज प्लेट के अंदर दब चुका है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इसमें कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू, तो आपका आंसर 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए हेल्प इनिशिएटिव, ए हेल्प इनिशिएटिव क्या है बेसिकली, अभी इस क्वेश्चन के बारे में पहले ही बात किया, द ए हेल्प इनिशिएटिव बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू द MOU बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड, ठीक है, ड्राइंग नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, द प्रोग्राम्स एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय एंगेजिंग देम, ये सही है, ये भी सही है आपका, ये जो आपका आंसर दिया रहा है ये पूरा ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है, ऑल इंडियन स्टेट्स और यूटी में नहीं है, कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको लागू किया गया है। 46 का अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, एक गलत है, इसमें पूछ रहा है कि इंडिया के सभी स्टेट्स और यूटी में, जबकि सभी स्टेट्स यूटी में नहीं है, कुछ स्टेट्स और यूटी में है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM विश्वकर्मा स्कीम, PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में कौन सी जो है बात कथन सही है, द स्कीम्स एम्स एट सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग आर्टिसन एंड स्किल्स क्राफ्ट, बिल्कुल सही है ये, द क्रिएट्स एवेन्यू ऑफ मार्केट लिंकेज पर्सन वर्किंग ट्रेड्स, ये भी सही है, द स्कीम डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाती है, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कौन सा सही है आपका, 1 2 1 2 किस में, ए में है, 47 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48,
विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग की कौन कौन सी जो एप्लीकेशंस इसमें से है, ठीक है, तो आप इसके करके देखेंगे हम लोग. चार्ट वाइल्ड लाइफ हैबिट्स ये है, मेजरिंग द टेम्परेचर एंड वेव हाइट्स ऑफ ओशियन ये भी है, मैप वेटलैंड्स ये भी है, मॉनिटरिंग द ओशियन सर्कुलेशन ये भी है. इसमें सारा सही है, तो ऑल ऑफ द अबव. आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 का, डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए 49. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू बैंक्स. न्यू बैंक्स एक तरह का बैंक्स होता है जो ऑनलाइन काम करता है, डिजिटली काम करता है, इसका कोई फिजिकल ऑफिस वगैरह नहीं होता. उसके बारे में पूछ रहा कि ये जो है इसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है. देखते हैं एक एक करके. न्यू बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ ओनली एन ऑनलाइन प्रेजेंस एंड फंक्शन, ये बिल्कुल सही है. न्यू बैंक्स हैव द अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंस, नहीं, इसको तो अप्लाई नहीं करना पड़ता है. न्यू बैंक्स ऑफर बैंकिंग सर्विस लाइक सेविंग्स अकाउंट्स स्मॉल लोन्स एंड डिविडेंड, ये करता है, बिल्कुल सही है. इसमें वन एंड थ्री सही है, तो वन एंड थ्री किसमें, बी में है, तो आपका आंसर 49 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबमरीन्स ऑफ द इंडियन नेवी, इसमें से कौन कौन सा जो है इंडियन नेवी का सबमरीन है, ठीक है. सबमरीन यहाँ पे देखना, सबमरीन लिखा हुआ एक वर्ड, आईएनएस कावेरी ये है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है. वन एंड थ्री, आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस अरिहंत, ये जो है इसमें सही है आपका आंसर, ठीक है. तो आपका वन एंड थ्री आपका सही है, तो बी आपका सही हो जाएगा, ये दोनों सबमरीन है इंडिया का. अगला क्वेश्चन द फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट, ये जो है कौन पब्लिश करता है, किसके द्वारा होता है, तो ये जो आपका वर्ल्ड लाइफ फंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जारी करती है द फॉरेस्ट पाथवे रिपोर्ट, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. 52 द इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज रिलीज बाय, ठीक है. कौन जारी करता है इसको, तो इसको जारी करने वाली संगठन है वो है आपका 52 इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 52 का, ये है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसको जारी करती है, 52 का सी, विश्व बैंक. क्वेश्चन नंबर 53. माउंट मरापी दैट वाज रिसेंटली न्यूज, अभी हाल में माउंट मरापी जो न्यूज में रहा, ये एक्चुअली जो है वो किस कंट्री में है, तो माउंट मरापी जो है वो इंडोनेशिया में है, एक तरह का वोल्केनो है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 का, सी हो जाएगा. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBM समटाइम्स सीन यूज इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप, OECD, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट. 54 का आंसर बताइए क्या होगा, 54 आप लोग देख के बताइए, G20, OECD, यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है CBAM वो यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 54 का, सी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, कौन सा संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करती है, ऑफकोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेगी, तो आपका आंसर 55 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर. 56 देखेंगे, द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज बाय, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड का कौन जारी करता है, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे आप जल्दी, ठीक है. ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, डी आपका आंसर ये होगा, यही रिपोर्ट जारी करती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट. गाजा स्ट्रिप किस दो दोस्तों के बीच में ये बाउंड्री शेयर करती है, इसराइल और इजिप्ट के बीच में ये शेयर करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 4, 2 and 4 किसमें, बी में है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, गाजा स्ट्रिप. जो न्यूज में रहा है क्वेश्चन उसी से पूछा गया है. द ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स जो है इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड है, ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. द ज्वाइंट स्ट्रेटेजी होरिजन 247 मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडियन फ्रांस के बीच है ये होरिजन 2047 है ना, 2047. व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम क्या है, से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन, भ्रष्टाचार को ना कहो, ठीक है ना, और कमिट टू द नेशन, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो. क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इज द थीम, ये हो गया आपका 61. विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द सेंझोउ 16 मिशन, सेंझोउ 16 मिशन चाइना की स्पेस मिशन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चाइना हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, विच स्टॉर्म्स हैज रिसेंटली हिट द नॉर्थ वेस्ट यूरोप विद टेरिटोरियल रेन्स एंड वेट, कौन सा जो है हिट किया था, तो ये आपका स्टॉर्म सारन है, ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 62 का. अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है, विच सिटी होस्टेड द ज्वाइंट समिट ऑफ द अरब लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, अभी जो अरब लीग का जो मीटिंग हुआ था वो किस कंट्री कहां पे हुआ था, तो ये आपका सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियाद, आपका आंसर रियाद हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर
64 स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल न्यूज़ में आजकल देखा गया, वो किस कंट्री से रिलेटेड है, ये यूएसए का है, ठीक है ना, यूएसए से संबंधित है। नॉर्थ नोराधेई सेंचुरी विच द दुर्गावती सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट्स में है ये दोनों, ठीक है। 65 का आंसर देखेंगे आप, 65 जो है महाराष्ट्र, ये है मध्य प्रदेश में, ये दोनों किस में है, दुर्गावती पहले भी हमने देखा था, और दूसरा है नोराधेई सेंचुरी, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 66 अंकोर वाट, वो किस कंट्री में, अंकोर वाट जो है एक सिटी है, वहाँ पे टेंपल है, वो किस कंट्री में, ये कंबोडिया में है ये अंकोर वाट। राइट होल माइनिंग, राइट होल माइनिंग किस स्टेट में सबसे ज़्यादा, अभी उत्तराकाशी में देखा होगा आपने, खदान गिर गया था, खुदाई हो रही थी वहाँ पे, माइनिंग हो रही थी, उसको राइट होल माइनिंग कहते हैं, उसमें चूहे की तरह बिल बनाया जाता है और वहाँ से माइनिंग की जाती है उसका जो है, तो ये पूछा राइट होल माइनिंग किस स्टेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये मेघालय का है, मेघालय में जहाँ पे भी जो लैंड है टेरेंस वगैरह डिफिकल्ट टेरेंस होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे कोयला निकालना हो या बाकी और कोई मिनरल्स निकालना हो तो उसके रैट होल माइनिंग होती है, तो ये सबसे ज़्यादा मेघालय में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर विमेन विच वॉज रिसेंटली यूज फॉर लॉन्चिंग इट्स नैनो सेटेलाइट्स कॉल्ड वेसैट इज लोकेटेड इन विच सिटी, बेंगलुरु पुणे तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। 68वीं का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 69 Who has been appointed as the first woman director general of Maharashtra? तो आपकी क्या नाम है इसका? रश्मि शुक्ला। क्या नाम है आपका? रश्मि शुक्ला। डी हो जाएगा। पहली महिला है जो वहाँ की डीजीपी बनी महाराष्ट्र की। अब वह आवास योजना किस स्टेट्स का है? ये झारखंड का। अभी हाल में झारखंड के एक सीएम हेमंत सोरेन ने इसको लॉन्च किया। ये योजना है बेसिकली क्या? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर नहीं मिला है उनको घर दिलाने के लिए अब वह आवास योजना को लॉन्च किया गया है। लैम्परीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, किस स्पीसीज से रिलेटेड है ये? इंसेक्टिव प्लानर फिश स्नैक्स किससे है? 71 का, 71 ये आपको मछली से है, किससे है? फिश से है। लैम्परीज किससे है? मछली से संबंधित है, एक प्रजाति है मछली की। क्वेश्चन नंबर 72 स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा होगा। बार्सेट का आंसर क्या है आपका? बार्सेट नहीं, क्वेश्चन 72, ठीक है, सही है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये जो स्लिम है वो उसी का एक प्रोग्राम है। व्हाट इज द करेक्ट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ हिमालयन वुल्फ एंड एज असिस्टेड बाय द आईसीएन देयर रेड लिस्ट, इनडेंजर्ड वल्नरेबल लिस्ट कंसर्न क्रिटिकली इंजर्ड, ये वल्नरेबल में है, किसमें है? वल्नरेबल में है, ठीक है, हिमालयन वुल्फ जो है वो वल्नरेबल में है। क्वेश्चन 74 विच प्लेयर हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन ओनली वन डे नेशनल इंटरनेशनल, है ना, वन डे इंटरनेशनल मैच में सबसे फास्टेस्ट विकेट लेने वाला? केशव महाराज, मोहम्मद सिराज, वनिंदु हंसरंगा, ये आपका आंसर क्या है? वनिंदु हंसरंगा सबसे फास्टेस्ट जो है 7 विकेट लेने का वन डे में रिकॉर्ड किसके नाम है? वनिंदु हंसरंगा के नाम है। तो आपका 74 का आंसर सी हो जाएगा। विच स्टेट लॉन्च ऑपरेशन अमृत, है ना, किस स्टेट ने जो ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो कॉम्बेट है ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके लिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, किस स्टेट ने जो है इसको लॉन्च किया है? ये जो है केरला है, ऑपरेशन अमृत जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए लॉन्च किया है केरल ने। अगस्त्य गामा एज विच वॉज सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज, किस स्पेसीज से रिलेटेड है ये, ठीक है, अगस्त्यामा 76 का देखे, 76 का दिया हुआ है। ये जो है आपका कंगारू लिजार्ड, छिपकली की एक प्रजाति है कंगारू लिजार्ड, इसको क्या करना है? अगस्त्यामा एज कहते हैं। तो आपका 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 77 व्हाट इज कुडावोलाई सिस्टम, व्हाट इज कुडावोलाई सिस्टम रिसेंटली न्यू मेंशन इन द न्यूज, कास्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम, टैक्स सिस्टम, ये 77 का है, इसमें किससे संबंधित है ये? ये जो है आपका कुडावोलाई सिस्टम जो है आजकल न्यूज में था। ये बेसिकली जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रोल सिस्टम है, चुनाव की एक प्रणाली है उससे संबंधित है, इलेक्ट्रोल सिस्टम से संबंधित है, चुनावी प्रणाली से कुडावोलाई सिस्टम। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट ऑफ 5-ईयर प्लान 2024-25, ठीक है, इसका जो पूरा 47,00,066 लाख करोड़,
आपका आंसर सी है 47.66 लाख करोड़ आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कामाख्या दिव्या लोक है ना परियोजना रिसेंटली, ये किससे संबंधित है, किस स्टेट से? आप यहाँ पे कामाख्या देख रहे हो, कामाख्या आसाम में है, आप डायरेक्टली कामाख्या से भी इसका आंसर चूज कर सकते थे। आपका 79 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा यहाँ पे। 80, हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इन द रिवाइज एस्टिमेटेड लिस्ट ऑफ द है ना 224 to 224, इसमें कितना किया गया है बोझ है तो 1,19,000, इसमें देख दो 60,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रिवाइज एस्टिमेशन में जो है 2023-24 में 60,000 जो है एलोकेट किया गया, ठीक है ना। हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर द यूरिया सब्सिडी इन द ईयर, यूरिया सब्सिडी में 2024-25 में कितना जो है अलॉक किया गया है तो 1,19,000, 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1,19,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बजट, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा बजट में जो है पैसा दिया गया है, किस सेक्टर को, एजुकेशन को, ट्रांसपोर्ट को, रूरल डेवलपमेंट को, या किसी को नहीं? तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा जो दिया गया है वो डिफेंस को दिया गया है, डिफेंस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा आपका, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा, नन, किसी को नहीं, डिफेंस को सबसे ज्यादा दिया गया है। ठीक है, अगर आप उसको लिखना चाहते हो डिफेंस में 6.1 लाख करोड़ मैक्सिमम है ये 2024-25 के बजट में, आप उसको नोट भी कर सकते हो। व्हाट इज द एलोकेटेड बजट फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन द फिस्कल ईयर, एजुकेशन सेक्टर में फिस्कल ईयर में कितना जो है बजट एलोकेशन किया गया है तो 1,24,638 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंटरिम बजट, इंटरिम बजट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसमें आप देखोगे द कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट ये सही है, द जीडीपी ग्रोथ 5 ईयर जीडीपी प्रोजेक्ट 7.3 ये भी सही है, ठीक है, द जीडीपी ग्रोथ फॉर द 5 ईयर जीडीपी ग्रोथ है 8.3 ये गलत है, तीन सिर्फ गलत है आपका, बाकी सब सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री का सी हो जाएगा यहाँ पे। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंटरिम बजट, ये तो हो गया आपका। विच पॉलिटिशियन ऑफ बिहार पार्टिसिपेटेड इन द रोड शो ऑफ बिहार टूरिज्म इन टोक्यो, किसने रोड शो किया था यहाँ पे टोक्यो में, तो ये तेजस्वी यादव, उस समय डिप्टी सीएम थे बिहार के, उन्होंने जो है इसमें भाग लिया था। अकॉर्डिंग टू बिहार सेंसस कास्ट सेंसस से क्वेश्चन आ गया है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स आर गवर्नमेंट इम्प्लॉय, इसमें से कितने परसेंट जो है गवर्नमेंट इम्प्लॉय है, आई थिंक 1.57 है 86 का, 1.57 ठीक है, 1.57 बी आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, इतने परसेंट लोग जो है गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बिहार का सेंसस में ये रिपोर्ट आई है। अगला क्वेश्चन 85, व्हेन वाज द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, जो चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप था वो कब लॉन्च हुआ है, 18 अक्टूबर 2023, 23 अक्टूबर 2023, 13 अक्टूबर 2023 या 2 अक्टूबर 2023, एकदम एग्जैक्ट जो है फैक्चुअल पूछ लिया इसने कि फैक्चुअल आप आंसर करो कि इसका सही क्या आंसर है, तो इसका आंसर 18 अक्टूबर 2023 सी हो जाएगा आपका, इसको याद रखेंगे आप, इतना फैक्चुअल वैसे पूछता नहीं है। तो चौथा जो एग्रीकल्चर रोड मैप 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ है। अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस विशिष्ट कास्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज इन द जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में कौन सी जाति आती है जिसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं, तो ये देखा गया, ये भूमियारों में पाया गया है, जो बिहार की भूमियार प्रजाति है, भूमियार जाति है, उसमें पाया गया है सबसे ज्यादा गरीब, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बिहार कास्ट सेंसस व्हाट विच इज द पुअरेस्ट अमंग द कास्ट इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लास, गड्डी, यादव, घटवार, घटवार जो है सबसे गरीब है बिहार में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 89 का सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, विच पोजिशन डिड बिहार अचीव इन द वीमेन रूट साइकिलिंग लीग हेल्ड इन पटना, ठीक है, ये आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वोमेन्स रोड साइकिलिंग सेकेंड है शायद 90 का, फर्स्ट है आपको बिहार ने फर्स्ट पोजीशन बिहार रोड साइकिलिंग लीग में जो पटना में हुआ था उसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है, वो फर्स्ट मिला। अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस व्हाट इज द परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, एससी की आबादी बिहार में कितनी है, तो टोटल आबादी जो एससी की कितनी है 19.65% जो है बिहार में एससी की आबादी है। लाल भौरिक सिंह यादव फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन सिलेक्टेड एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंटायर एशिया इन द वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स 88 kg कैटेगरी इन
ठीक है, शंभू स्पोर्ट्स, ये किस जिले से हैं, बिहार के किस जिले से हैं? ठीक है, तो ये आपको कैमूर से हैं सर, 92 का, कैमूर से हैं, बिहार के कैमूर से हैं। 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, कैमूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 93, मिशन दक्ष हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री इन बिहार? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मिशन दक्ष? मिशन दक्ष जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, किसका है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का। 93 का आंसर क्या है आपका? एजुकेशन डिपार्टमेंट। पटना महावीर टेम्पल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विच विच कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विराट रामायण टेम्पल? लॉर्सन एंड टोब्रो, हिंदुस्तान, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स। इसने डी के साथ, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ साइन किया है महावीर मंदिर ने। ठीक है, तो आपका आंसर 94 का हुआ हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। 95, अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस व्हाट इज द परसेंट ऑफ मुस्लिम? जो जाति का जनगणना हुई है उसमें मुसलमानों के परसेंट कितने देखने को मिले हैं? तो ये 17.7% है बिहार में, 17.7% आबादी मुसलमानों की है बिहार में। विच कास्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन बिहार? कोरकू, कोस्ता, भास्कर, जतपुरिया। ये जो है भास्कर की आबादी बिहार में सबसे कम है 96 में। क्वेश्चन नंबर 97, विच एडिशन ऑफ बिहार म्यूजियम बैनियल वॉज ऑर्गेनाइज इन 223 इन पटना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये सेकेंड में है, 97 का सेकेंड, सेकेंड एडिशन हुआ है इसका पटना में। तो आपका बी आंसर आएगा यहाँ पे आंसर। 98, इन विच ईयर वाज बिहार जीविका योजना स्टार्टेड? बिहार जीविका योजना किस साल स्टार्ट हुई थी बिहार में? ये साल 2006 में स्टार्ट हुई थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 98। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पारा गेम्स 223? 12, 18, 22, 25। ये 22 है आपका, 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 22। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टेट ऑनर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय बिहार आर्ट्स कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट? किसको दिया गया है? कमल चौधरी, सुधांशु, लक्की चंद मांझी। ये जो है आपको पता है ये साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो आप इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भिखारी ठाकुर से जुड़े हुए हैं ये। व्हेन डिड नीतीश कुमार टुक ऑफ? नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कब शपथ ली थी? आपको पता है ये 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड? बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड मिला इस साल 2024 में? तो आपको पता है ये बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ शौचालय के संस्थापक थे, उनको मिला है। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द टेबलू ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? किसको मिला? गांधी मैदान में जो झांकी निकली है उसमें सबसे पहला अवार्ड किसको मिला? अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट को मिला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विच टू सिटीज ऑफ बिहार हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? किस दो शहर को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में दो शहर को चुना गया है? पटना एंड सुपौल, राजगीर एंड नवादा, गया एंड दरभंगा, बांका एंड भागलपुर। इसमें आपका कौन कौन सा है? पटना एंड सुपौल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 104 का ए हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना अमंग सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड? इसमें जो पटना की रैंकिंग है 77 है। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 106, विच स्टूडेंट्स ऑफ बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल यूथ अवार्ड? बिहार के किस छात्र को नेशनल यूथ अवार्ड मिला है? तो ये साक्षी आनंद है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन विच कैटेगरी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ बिहार हैज बीन अवार्डेड द स्टार्टअप अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लीडर्स, टॉप परफॉर्मर्स, बेस्ट परफॉर्मर, एस्पायरिंग लीडर्स। 107, क्वेश्चन नंबर 107, इसमें कौन सा आंसर चाहिए? एस्पायरिंग लीडर्स। क्या है इसमें? एस्पायरिंग लीडर्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लावण्या सिंह ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवार्डेड? बिहार के किस जिले की है लावण्या, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया इलेक्शन कमीशन ने झारखंड में, ठीक है ना, इन द लोकसभा इलेक्शंस? कैमूर, सारण, समस्तीपुर, सहरसा। ये आपके सारण की है। 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सारण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सारण हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 109, अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2023 द नंबर ऑफ अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के कितने परसेंट लोग हैं बिहार में? जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, 15.52, 16.43, 17.12 या 18.05? इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? आपका 15.52। 109 का अगर आप देखेंगे 15.52 आपका आंसर हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के लोग कितने हैं? 15% के आसपास है, उसमें हिंदू मुसलमान सब मिला करके हैं टोटल 15.52%। बिहार हैज सिक्योर्ड द पोजीशन इन द कंट्री इन द नेशनल ज्वाइंट काउंटर एक्सरसाइज, इसमें बिहार को सेकंड पोजीशन मिला है, ठीक है ना, जो अभी कहाँ पे हुआ था, मानेसर हरियाणा में हुआ था, बिहार को दूसरा स्थान मिला है।
क्वेश्चन नंबर आपको 111, इन विच स्टेट हैज ए न्यू स्पेसिस ऑफ बैक्टीरिया, पेंटोनिया टैगोरी हैज बीन डिस्कवर्ड, बिहार, इंडिया के किस राज्य में ये पाया गया, केरला में, मेघालय में, वेस्ट बंगाल में। तो ये जो पाया गया बैक्टीरिया का, ये वेस्ट बंगाल में पाया गया है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, हु हैज बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू फाइल नॉमिनेशन फ्रॉम जनरल सीट्स इन द जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में चुनाव हुआ, उसमें से जनरल सीट से किस हिंदू महिला ने इस बार जो है नॉमिनेशन दाखिल किया? सबीरा प्रकाश। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सबीरा प्रकाश। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ है? ये आपको हुआ ऑर्गेनाइज हरियाणा में हुआ है। तो आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा। यहाँ पे 114, सेल्फ असेसमेंट टेस्टिंग एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जाम, साथी पोर्टल हैज बीन डेवलप बाय विच इंस्टीट्यूट, किसने डेवलप किया है? तो IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया। किसने किया है? IIT कानपुर ने डेवलप किया है। इन विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ ऑफ टाइगर्स अकर्ड, 2023 में सबसे ज्यादा टाइगर्स की डेथ किस में, कहाँ पे हुई है, किस राज्य में? तो ये आपको जो है 115 में देखेंगे तो महाराष्ट्र में हुई है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुई है। विथ हुम हैज द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना डेवलप द एग्रीकल्चर 24x7 प्लेटफॉर्म, अल्फांसिस, टाटा लेक्सी, बदवानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने 116 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसने डेवलप किया 24x7 ऐप है एक, ठीक है। 117, हु हैज बीन अपॉइंटेड द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है? हितेश कुमार मकवाना, मिशाल रोशन श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार, हितेश कुमार मकवाना, इनको जो है अपॉइंट किया गया। 117 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? हितेश कुमार मकवाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा लेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 118, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद NTPC फॉर ग्रीन हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। 118 का आंसर बताएंगे इसमें किस क्या सही होगा, किस स्टेट ने जो है साइन किया है? राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने। तो आप देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे जो MOU साइन किया वो आपको महाराष्ट्र ने साइन किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो आपका आंसर 118 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 119, रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल आरोग्य फेयर, नेशनल आरोग्य फेयर कहाँ पे लॉन्च हुआ है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है 119 का, ठीक है। इसमें आपको चूज करना है, तो ये आपका ऑप्शन है गांधीनगर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर। तो ये जो आरोग्य फेयर हुआ है, नेशनल आरोग्य फेयर, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। इन डेंजर्स फॉरेस्ट ऑलेट रिसेंटली साइटेड एट विच टाइगर रिजर्व, पेंच में, मेलाघाट में, ये आपको मेलाघाट में है। ये मेलाघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो मेलाघाट में देखा गया। 120 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, बी, महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र। 101, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैड कोलैबोरेटेड विद म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड टू क्रिएट द नेशन फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइंड 155 स्मार्ट एम्यूनिशंस, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। 121 क्वेश्चन नंबर 121, ये आपको देखोगे IIT मद्रास, इस किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास डिजाइन किया गया उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121 ये हो गया। 22, माउंट सिलिंगर फेल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में है ये? ये आपको आइसलैंड में है, आइसलैंड में है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। व्हाट, व्हेन इज द वर्ल्ड यूनानी डे, विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 11 फरवरी को मनाते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। रिसेंटली विच बैंक हैज रिलीज द क्रिसिल स्टडी रिपोर्ट नेम प्रभाव, किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने इसको लॉन्च किया। द बोचसवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बाप्स, इसने अभी हाल में कहाँ पे जो है एक हिंदू मंदिर की स्थापना की है? आपको पता है UAE में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? UAE, अबू धाबी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। 121 का, 125 का अबू धाबी, ये देख लेता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल अबू धाबी ही है। 125 का ए। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम UV का रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, IIT कानपुर, इसरो या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस? ये इसरो का है। आपका आंसर 126 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे 127, रिसेंटली विच कंट्री इंस्टेंटली पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी वॉज लिंक्ड विद इंडियाज UPI, किस कंट्री का है वो? UAE का है। आंसर सी हो जाएगा आपका 127 का।
पंडारम लैंड रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स, वो लक्षद्वीप का है, कहाँ का है? लक्षद्वीप का। 128 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा यहाँ पे। 129, मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, जाहिर सी बात है ये बांग्लादेश से ही होगी। कहाँ पे? बांग्लादेश। मैत्री से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा तो बांग्लादेश लगाएंगे आप। फ्रॉम विच सिटी डिड द मैडन वॉयज ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर शिप कोस्टा सेरेना बिगिन? गोवा, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। 130, ठीक है, 130 का पूछा है कहाँ से ये लॉन्च हुआ है, स्टार्ट हुआ है? ये मुंबई से हुआ है। कहाँ से? मुंबई से। अगला है आपका विथ हुम हैज अपेडा साइंड एन एमओयू टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, किसके साथ किया है? लुलू। लुलू क्या है? एक तरह का वो हाइपर मार्केट है, उसके साथ इंडिया ने जो है साइन किया है, ठीक है ना, अपेडा साइन किया है एक एग्रीमेंट। द वर्ल्ड बाजबॉल, जो शब्द है बाजबॉल, वो किस खेल से संबंधित है? पूछ रहा है क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, ये एक्चुअली क्रिकेट से संबंधित है। और ये होता क्या है? बाजबॉल होता है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट पता है आपको कि स्लो खेला जाता है, बचा के खेला जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर एग्रेशन दिखा के तेजी से क्विक रन बनाने की जो एक करेज है उसी को क्या कहते हैं? बाजबॉल कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। हु हैज़ बिकम द फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट? रचिन, रविंद्र, अलजारी, जोसेफ, मोहम्मद शमी, शाहिन आफरीदी। ये मोहम्मद शाहिन आफरीदी है। तो आंसर 133 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसको किसको अपॉइंट किया गया है साउथ एशिया में रीजनल डायरेक्टर? तारा हलीम, सलीमा जावेद एंड माथिया चौधरी। तो ये जो साइमा वाजिद को अपॉइंट किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ एशिया में रीजनल हेड। तो आंसर क्या हो जाएगा 134 का? सी हो जाएगा, साइमा वाजिद। 135, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय कुर्ती संघ के अध्यक्ष ने कौन चुने गए हैं? इसमें पूछ रहा आपको, ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रेस्टिंग फेडरेशन। आपको पता अभी हाल में ब्रजभूषण सिंह थे, उसी के एक एसोसिएट्स हैं संजय सिंह, ये चुने गए थे, लेकिन बाद में विरोध होने के बाद, ठीक है, कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इसको जो है हटा दिया गया, इसकी मान्यता को ख़त्म कर दी गई। तो आपका 135 का आंसर हो जाएगा ए, लेकिन अब वो नहीं है, इनके चुनाव को रद्द कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? IPL की हिस्ट्री में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? उसमें आपको कुछ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, वो है आपका पैट कमिंस, मिशेल स्टॉक, सैमुअल करन एंड कैमरॉन। तो इसका जो है मिशेल स्टॉक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, ये सबसे महंगा प्लेयर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, एशिया लार्जेस्ट स्लम धारबी जो है किस शहर में है? वो मुंबई में है। तो आपका 137 का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? धारबी सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका है ये, ठीक है ना, तो मुंबई में है। हु टॉप द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया पारा गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। 138, हरियाणा ही होगा इसमें, ठीक है, कौन है इसमें? हरियाणा। 138 हरियाणा ही है टॉप पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम? ठीक है ना, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? रमेश पोवार, दिलीप जोशी, अमोल मजूमदार और ऋषिकेश कानितकर, ठीक है, दिलीप जोशी। 139 यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कौन बने? अमोल मजूमदार। पहले कौन थे? रमेश पवार थे। महिला क्रिकेट टीम के पहले कोच कौन थे? रमेश पवार थे। अभी हाल में किसको बनाया गया है? अभी हाल में जो है ये अमोल मजूमदार को ये चार्ज दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, विच कंट्रीज फेमस क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर सलीमुल हक? किस कंट्री के फेमस क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे सलीमुल हक, जिसका हाल में निधन हो गया? तो ये आपके बांग्लादेश के थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 का? सी हो जाएगा। इन विच कंट्री हैव 8 ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के किसने 8 ऑफिसर्स को किस कंट्री ने मौत की सजा अभी हाल में सुनाई थी, बाद में उसको रिलीज करवा दिया गया? तो वो आपका कौन है? वो है कतर। क्या है? कतर। इन विच स्टेट हैज़ ए न्यू स्पेसीज ऑफ मशरूम? मशरूम की नई स्पेसीज पाई गई है किस स्टेट में? गोवा में, केरला में, मेघालय में या तमिलनाडु में? 142 नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो ये आपको केरला में पाया गया मशरूम का नया प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 143, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली केडियांग? ली केडियांग किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये जाहिर सी बात आपको पता है चाइना के थे। 143 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 144, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया?
विराट कोहली, शुभम गिल, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये महेंद्र सिंह धोनी है, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर वॉन द अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 223 वुमेन सिंगल टाइटल, पीवी संधु, उन्नति होडा, मालविका बंसोद, अस्मिता चंदेलिया। 145 उन्नति होडा होगा, कौन सा होगा, उन्नति होडा, उन्नति होडा बी। अगला क्वेश्चन है 146, इन विच सिटी वाज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी बुनकर फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है, किस शहर में हुआ है, ये पूछ रहा है आपको किस शहर में इसका ऑर्गेनाइज किया गया है, बदोदरा, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, ये आपको कहां पे है, वडोदरा में, ठीक है ना, सॉरी वडोदरा नहीं, कोलकाता, कोलकाता होगा ये, सही कर लो कोलकाता, ये कोलकाता में हुआ नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन सेंटर जो बुनकर फेयर है, कहाँ हुआ है, कोलकाता में। इन विच सिटी वाज द ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 223 ऑर्गेनाइज, गोवा, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम, किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये गोवा में, कोची में, मुंबई में, विशाखापट्टनम, ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 148, विशन सी बेदी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, किस खेल से संबंधित थे विशन सी बेदी, आपको पता है क्रिकेट से थे, 1983 की जो टीम वर्ल्ड कप लेके आई थी कपिल देव के लिए कैप्टनसी में, उसके भी हिस्सा थे ये विशन सी बेदी, हाल में उनका निधन हो गया। हु वन द टाइटल ऑफ 72nd मिस यूनिवर्स प्रेजेंट 223, कैमिला अवेला, मौरिया विल्सन, एंटोनिया पोर्सिला और सेनिस पहले कोइस, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 149 का डी हो जाएगा। वेयर वॉज द एक्सरसाइज मित्र शक्ति 223 ऑर्गेनाइज, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, आपको पता है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, वो इंडिया में हुआ, मित्र शक्ति 2023 जो है ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, इंडिया में। ये 150 क्वेश्चन थे आपके आज के, 11वां जो टेस्ट हुआ था उससे संबंधित थे, उसके एक्सप्लेनेशन को देख लिया हम लोगों ने, आपको PDF भी मिल गया होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बाकी आप इसको क्लियर पढ़ लेंगे, एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना आप लोग अच्छे से, 150 क्वेश्चंस को जो हमने अभी डिस्कस किया है इसके आंसर्स को एक बार दो बार आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे। जो अगला टेस्ट होने वाला है आपका 12वां टेस्ट, वो साइंस का होने वाला है नेक्स्ट संडे को, यहीं परम आयुष के ऑफलाइन सेंटर पर आप आके दे सकते हैं, 12 से 2 होगा इस टेस्ट का टाइम, यहाँ पर आके दे सकते हैं आप, ऑनलाइन जो देना चाहते हैं परम आयुष के यूट्यूब चैनल, परम आयुष के जो टेलीग्राम चैनल उससे जुड़ करके वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ ये जो टेस्ट है ये टेस्ट 33 टेस्ट है, टोटल कितना टेस्ट है, 33 टोटल 33 टेस्ट है, जिसमें से आपका जो है अभी 11 टेस्ट हो चुका है, आप कितने बच गए, 22 टेस्ट टोटल बचे हुए कितने हैं रेस्ट, ये है आपके 22 टेस्ट बचे हुए हैं, आप इसको दें अच्छे से, उसमें बाकी जो बचे हुए हैं उसको दे करके अपनी तैयारी को और जो है धार दे सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखते रहेंगे समय समय पे, और नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग चलो मिलते हैं, जो अगला टेस्ट होने का साइंस का अगले संडे को हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, चलो टेक केयर आप सब लोग, अपना ध्यान रखो सब।